नेपाल के साथ सीमा विवाद को लेकर भारत की विदेश नीति सवालों के घेरे में है। विपक्षी खेमा लगातार नेपाल से बिगड़ते रिश्तों को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों ले रहा है और अब तो बीजेपी के नेताओं को भी सरकार की विदेश नीति में खामियां नजर आने लगी हैं। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तो नेपाल के साथ बिगड़ते रिश्तों को अपनी सरकार की विफलता तक बता दिया है। नेपाल के साथ विदेश नीति को लेकर मोदी सरकार को फजीहत झेलनी पड़ रही है। अब तक विरोधी सवाल उठा रहे थे, पर अब तो बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को मोदी सरकार की विदेश नीति में खामियां नजर आ रही हैं। स्वामी ने ट्वीट किया, भारतीय क्षेत्र के लिए नेपाल कैसे सोच सकता है? उसकी भावनाओं को किस वजह से चोट पहुंची है जो वो भारत के साथ रिश्तों को तोड़ना चाहते हैं? क्या यह हमारी विफलता नहीं है? विदेश नीति को रिसेट करने की जरूरत है। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार की विदेश नीति को लेकर सवाल पूछे थे और अब सुब्रमण्यम स्वामी अपनी सरकार को विफल बता रहे हैं। स्वामी की ये टिप्पणी उस समय आई है जब नेपाल की प्रतिनिधि सभा ने अपडेटेड राजनीतिक नक्शे से जुड़े विधेयक को पास किया है जिसमें भारत के इलाके भी शामिल हैं। दरअसल जब से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर लिंक रोड का उद्घाटन किया है तब से दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ी है और उसके बाद नेपाल सरकार ने नए राजनीतिक नक्शे से जुड़ा विधेयक अपनी संसद में पेश किया था। इतना ही नहीं, नेपाल तो जरूरत पड़ने पर युद्ध की बात भी कह रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर नेपाल के साथ हमारे अच्छे रिश्ते कैसे बिगड़ गए? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल गए थे तो नेपाल को भारत का छोटा भाई बताया था। भारत और नेपाल की संस्कृति भी दोनों देशों को जोड़ती है, लेकिन इसके बावजूद आखिर क्यों नेपाल अब भारत से सारे रिश्ते तोड़ने पर आमादा है? अब सवाल तो कई हैं, लेकिन इसके जवाब सरकार को ढूंढने हैं ताकि हालात को बेहतर किया जा सके। डीवी लाइव की रिपोर्ट।